गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट डेटेड बेबी इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर इन्फंट हाइजीन। पोस्ट डेटेड बेबी और पोस्ट टर्म और पोस्ट मैच्योरिटी और प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी और पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी और पोस्ट मैच्योर बर्थ ऑल इंक्लूडेड इन सेम वे पोस्ट डेटेड बेबी। कभी कभी ये देखा गया है कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है उससे डिलीवरी का टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसके क्या कारण और परिणाम है? द कॉज ऑफ पोस्ट टर्म बर्थ आर अननोन। जन्म में ज़्यादा समय लगना इसका जो कारण है, वास्तविक कारण आज तक ज्ञात नहीं है। बट पोस्ट मैच्योर बर्थ आर मोर लाइकली व्हेन द मदर हैज एक्सपीरियंस्ड ए प्रीवियस पोस्ट मैच्योर बर्थ। ड्यू डेट आर इजली मिसकैलकुलेटेड व्हेन द मदर इज अनश्योर ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लेडीज में ये देखा जाता है कि उसका मेंसेज का डेट याद नहीं है या इररेगुलर है, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी एक महीने, कभी दो दो महीने पर हो जाते हैं। उस स्थिति में भी अगर याद नहीं है तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। व्हेन देयर इज मिसकैलकुलेशन द बेबी could be delivered before or after the date of expected due date। इस प्रकार अगर कैलकुलेशन, गणना करने में अगर दिक्कत है, सही नहीं है, तो इस कारण से कभी कभी जो कैलकुलेटेड डेट है उससे पहले भी डिलीवरी हो जाती है और कभी कभी ज़्यादा समय लगता है या बाद में होता है। पोस्ट मैच्योर्स बर्थ। पोस्ट मैच्योर बर्थ कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अनियमित मासिक स्राव के कारण भी ऐसा हो सकता है, या पोस्ट डेटेड बेबी या बर्थ में के लिए अनियमित मासिक चक्र इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड भी एक मुख्य कारण है। व्हेन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज इरेगुलर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज व्हेन द ओवरीज वुड बी अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। इरेगुलर अनियमित माहवारी में मेंसेज में ये निश्चित करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है, डिफिकल्ट होती है कि कब ओवुलेशन हुआ और कब प्रेगनेंसी हुई। सम पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी मे नॉट बी पोस्ट मैच्योर इन रियली ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। कुछ परिस्थितियों में पोस्ट मैच्योर बेबी होता नहीं है या होती नहीं है, लेकिन ये इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड के कारण होता है या जिसकी सही टाइमिंग मालूम नहीं हो। हाउएवर इन मोस्ट कंट्रीज वेयर गेस्टेशन इज मेजर्ड बाय अल्ट्रासाउंड दिस इज लाइकली सो। मैक्सिमम देशों में गेस्टेशन अल्ट्रासाउंड से आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है। वहाँ भी
एग्जैक्ट डेट जो है ईडीडी, उसमें भी प्लस माइनस 7 डेज होता है और वहाँ भी ये 100% नहीं होती है। दोज न्यूनेट्स बोर्न आफ्टर 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज टर्म एज पोस्ट डेटेड और पोस्ट मैच्योर। 2 to 3% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एक्सटेंड्स मोर देन 2 वीक्स एक्सेस फ्रॉम ईडीडी। 2 to 3% जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा का समय भी लग जाता है जो एक अनुमानित डेट होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। द इफेक्ट ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी ऑन द फीटस आर रेफर्ड टू एज पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम। ये देखा जाता है कि जो पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट डेटेड बेबी होता है उस पर पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम, इससे संबंधी जो समस्याएं होती है वो उसमें देखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पोस्ट डेटेड बेबी जो है, पोस्ट डेटेड डिलीवरी जो है, उसके क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्टिल बर्थ, इसके कारण, इससे संबंधित साइन सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। और इसमें आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हमें भेजें, उस पर मैं फिर विचार करूँगा अगले सीडी में, अगले वीडियो में। थैंक यू।